पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर जेडीयू की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें बीजेपी और आरएसएस पर हमला किया गया है। पोस्टर में बीजेपी बेचकर जाएंगी पूरी राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति, इसमें आरएसएस को साथ देते हुए दिखाया गया है। पोस्टर में नीचे जनता बेहाल, दीमक खुशहाल, दीमक भगाओ, नीतीश को पीएम बनाओ लिखा गया है। आपको बता दें कि पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर जेडीयू की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें बीजेपी और आरएसएस पर हमला किया गया है। पोस्टर में बीजेपी बेचकर जाएंगी पूरी राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति, इसमें आरएसएस को साथ देते हुए दिखाया गया है। आपको बता दें कि पोस्टर के जरिए जेडीयू ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है और नीतीश को पीएम बनाने की बात दोहराई है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी पटना से राजीव जुड़ चुके हैं। जी राजीव, पोस्टर के जरिए जो है जेडीयू ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है और नीतीश को जो है पीएम बनाने की बात कही है, क्या कुछ और बातें आ रही है इस पोस्टर को लेकर? देखिए, दीपावली के ये अवसर पर पोस्टर लगाई गई है और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा ये पोस्टर लगाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पोस्टर में जहां आरएसएस और प्लस बीजेपी को दिखाया गया है कि वो देश बेचने वाली हर एक चीज को बेच देगी, मतलब साफ संदेश है कि जो बीजेपी जदयू के ये हमलावर जो दिवाली के मौके पर, जब ये त्योहार के मौके पर पोस्टर के द्वारा हमला किया गया है और साफ कहा गया है कि इसमें दिखाया गया है कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश को बेच देगी और देश बेचवा और दीमक की तरीके से देश को ये खाने वाली पार्टी है और ये देश बेच देगी और दीमक को हटाइए और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाइए। मतलब ये है कि आने वाले साल में 2024 के लिए ये साफ कार्यकर्ताओं द्वारा से एक संदेश दिया जा रहा है पोस्टर लगाकर, बीजेपी व्यवहार है कि अब नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरीके से विपक्ष एकजुट और लामबंद हो रहा है और नीतीश कुमार को एक चेहरा बनाया जाए, जैसे लालू प्रसाद यादव ने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार हमारे चेहरा है और वही प्रधानमंत्री के तौर पर वहां प्रोजेक्ट किए जाएंगे, तो मतलब ये साफ संदेश है जदयू के भी कार्यकर्ताओं के अंदर एक तरीके से उत्साह जो कह लीजिए उस पोस्टर के द्वारा दिखाया गया, उसमें साफ इनकम टैक्स चौराहे पे ये पोस्टर लगाई गई है, इसमें साफ है कि जो बीजेपी है और आरएसएस मिलकर देश को बेच देना चाहती है और दीमक की तरीके से सब कुछ नष्ट कर देना चाहती है, मतलब खा जाएगी। तो ये एक तरीके से जो ये राजनीति पोस्टर लगाया गया है, अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी, लेकिन ये साफ संदेश है कि जो प्रधानमंत्री के बनाने का जो बात चल रही है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद जाएंगे, तो इसको लेकर जदयू की तरफ से इस तरीके के पोस्टर लगाना और बीजेपी व्यवहार करना और बताना कि बीजेपी दीमक की तरीके की पार्टी है जो पूरे देश को खा जाएगी, तो एक तरीके से बीजेपी पर इस नए साल में दीपावली के मौके पर हमला पोस्टर लगाकर किया गया है, तो साफ संदेश है कि नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाएगा कि 2024 में वो दिल्ली जाएंगे और यहाँ 2025 में एक तरीके से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ बनेंगे। मतलब कि जो बातें चल के आ रही हैं कि अब यहाँ से राजनीति, अब देश की राजनीति करेंगे नीतीश कुमार, तो वही पोस्टर में भी लगाया गया है। धन्यवाद राजीव तमाम जानकारियों के लिए। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।